अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है वो निविया क्रीम का रिव्यू जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं इसको पर्सनली कैसे यूज़ करती हूं और जो है वो इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसकी प्राइस के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। मैं इसी तरह जो है वो ब्यूटी से रिलेटेड और पॉलर सीक्रेट से रिलेटेड जो है वो वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि वीडियोस जैसे ही अपलोड हो तो आपको बआसानी मिल सकें। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही फेमस जो ब्रांड है निविया का, बहुत ही पुराना ब्रांड है। और निविया क्रीम है इस टाइम मेरे पास, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है इसकी, और भी बहुत ज़्यादा लोशन भी हैं और भी क्रीम्स वगैरह हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा फेमस क्रीम है वो है निविया क्रीम, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं ब्लू कलर की पैकिंग में है। इसकी प्राइस के बारे में बात करें अगर, तो इसकी प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 300 के करीब होगी। मुझे आई थिंक याद नहीं है कि इसकी प्राइस क्या है, लेकिन 300 तक जो है वो आपके इसके अराउंड जो है वो आपको इजीली किसी भी कॉस्मेटिक वाली शॉप से जो है वो इजीली मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा थिक होती है और बिल्कुल एक मक्खन टाइप की जो है वो इसकी कंसिस्टेंसी है, ठीक है। तो बहुत ही जिस तरह की ये क्रीम आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल काम भी इसी तरह का ही करती है, ठीक है। आप इसको नाइट क्रीम में भी यूज़ कर सकते हैं, नाइट क्रीम एज अ नाइट क्रीम के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है वो कोई भी वाइटनिंग सीरम मिक्स करके जो है वो आप इसको नाइट टाइम में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं नाइट क्रीम के तौर पर। और अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स वगैरह हैं, फाइन लाइंस हैं, आपकी आंखों के नीचे जो है वो बहुत ज़्यादा लाइंस नज़र आती हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आप देखिएगा कि अगर आपके फेस पे झुर्रियाँ हैं, आपके हाथों और पाँव पे, आपके नकल्स पे जो है वो झुर्रियाँ हैं, ठीक है, तो आप इसको यूज़ करें। 1 वीक में आप जो है वो इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि आपके जो है वो हाथ पाँव जो हैं वो बिल्कुल नरम वो मुलायम हो गए हैं। अगर आपकी एड़ियाँ जो हैं वो फटी हुई हैं, तो आप अपनी एड़ियों पे लगा के रात टाइम जो है वो नाइट टाइम में लगा के तो ऊपर सॉक्स पहन लें, तो इंशाल्लाह दिखेगा कि आपकी जो फटी हुई एड़ियाँ हैं वो बिल्कुल जो है वो क्लीन क्लियर एक बिल्कुल एक मक्खन की तरह हो जाएंगी, जिस तरह की ये क्रीम नज़र आपको आ रही है। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी भी, और मैंने अभी आपको अप्लाई करके दिखाया है, बिल्कुल जो है वो आपको हल्की हल्की ये शाइनिंग भी देगी क्रीम जब आप इसको अप्लाई करेंगी, और बिल्कुल जो है वो स्टिकी नहीं होगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा इसको अप्लाई करेंगे तो ये स्टिकी होगी, बिल्कुल आपने थोड़ा सा अप्लाई करना है। ड्राई स्किन वालों के लिए ये बेस्ट है। सर्दियों में जो है वो अपने पास ये क्रीम ज़रूर रखिए, आपको बहुत ही अच्छा जो है वो मॉइस्चराइज भी स्किन को करेगी और आपकी फाइन लाइंस को भी ख़त्म करेगी, रिंकल्स को ख़त्म करेगी। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त क्रीम है, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कितनी ज़बरदस्त है। तो इसको ज़रूर जो है वो अप्लाई कीजिएगा। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सुपर ऑयली स्किन है, पिम्पल्स वाली स्किन है, वो इसको यूज़ ना करें। अगर आपने मेकअप करना है तो आप एज अ मॉइस्चराइज़र भी आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं, मॉइस्चराइज स्किन को करके तो ऊपर जो है वो आप अपना मेकअप बेस वगैरह जो भी आपने अप्लाई करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अक्सर इसको जो है वो एज अ मॉइस्चराइज़र मेकअप में भी यूज़ करती हूँ, तो आप भी इसको मॉइस्चराइज़र के तौर पे जो है वो मेकअप से पहले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।